हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और मतलब अभी पता क्या हुआ मेरे साथ, जल्दी अभी जो मैंने आपको बिस्किट दिखाया और उसमें जो चींटियां दिखाई, ये बिस्किट के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं बिस्किट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम है। इसको मैं जब भी रात को उठता हूँ तो खाता हूँ। मतलब मैं क्या एक्चुअली एडिट करते करते मुझे नींद आने लगती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी ग्लूकोज से, क्योंकि एनर्जी आती है, तो थोड़ी एनर्जी ले लूँ। और अभी सुबह उठ के बहुत देर से ब्रश व्रश करके लग गया, इसको चबाए जा रहा हूँ। मतलब काफ़ी सारा बिस्किट खा लिया, थोड़ा पेट भर गया, एक बार पानी पी लिया, फिर मेरा ध्यान अचानक से बिस्किट के डिब्बे पे गया। भगवान मैंने कितनी सारी चींटियाँ खाई है ना, बता भी नहीं सकता आपको। और अब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, थोड़ी सी गंदी टाइप की फीलिंग आ रही है, पर कुछ फील नहीं हुआ यार, थोड़ा सा खट्टा मीठा कुछ टेस्ट में कुछ फील आना चाहिए था। बाय द वे आज दिवाली है, मैं देखता हूँ आगे क्या प्लान करना है। तो सुबह कई सारी चींटियाँ खाने के बाद, कुछ काम ना करने के बाद, मतलब मेरे ख्याल से बहुत महीनों बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मैंने दिन में सोया है। और अभी जो है नहा के मार्केट के लिए निकल रहा हूँ। आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। देखता हूँ मेरी दिवाली कैसे बीतती है। दुनिया की तो अच्छी बीतेगी क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने पिछले 4-5 सालों में घर पे दिवाली नहीं मनाई, हमेशा घर के बाहर ही होता हूँ। तो मैं निकला हूँ मार्केट के लिए, कुछ एक सामान लेने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे देखना है कि मार्केट में वाइब्स कैसी हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बहुत सारी रंग बिरंगी चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स देखता हूँ, बहुत सारी हैप्पीनेस देखता हूँ जब मार्केट में। तो बस वही प्लान है। मेरे जैसा आदमी अपने घर से बहुत दूर दिवाली कैसे मनाता है, उसी की कहानी बनाने जा रहा हूँ आज मैं। देखता हूँ मार्केट में क्या क्या है। मैं सोच रहा हूँ, वैसे मैं पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ मूर्तियाँ खरीद लेता हूँ। आज मम्मी की बहुत रिक्वेस्ट है कि कर लो बेटा, तुम्हें करनी चाहिए। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कुछ डिस्काउंट आया है तो। माँ की बातों को पूरा ही कर लो। मुझे लगता है सबसे सही चीज यही है, भाई के ऊपर यही वाली जचेगी। तो मम्मी के कहने के अनुसार मैंने कपड़ा ले लिया है। लोग कुर्ता खरीद रहे थे और हम जैसे लोग टी शर्ट खरीद रहे हैं दिवाली में। अभी बहुत कुछ बचा है, एक बार बिग बाज़ार तो जाना ही है। मुझे यहाँ पता, दिवाली में इतनी रौनक नहीं लग रही, मतलब दशहरे में बहुत खतरनाक सीन था, माहौल था कतई, अभी दिवाली में ठीक ठाक है। बिग बाज़ार तो देखो बंद है, मोस्टली दुकानें बंद हो रही हैं, मतलब हम जैसे हैफेजार्डस अनप्लान्ड लोगों की मार्केट में कतई आज जगह नहीं है। ठीक है, मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो। तो बाजार कोलकाता वाले बोल रहे हैं कि बैग बाहर रख दो, कैमरा भी बाहर रख दो। भाई बोलो, कैमरा नहीं यूज़ करना है वो मैं कर सकता हूँ, कैमरा बाहर रख दूँ मतलब ये तो हद हो गई यार, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा, मैं गया ही नहीं अंदर। फिर अभी क्योंकि सारी भीड़ इधर ही जा रही है, पूरा मार्केट बाकी बंद हुआ रखा है, तो खतरनाक धूल है यार यहाँ पे, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। भाई तो वे मैं पटाखे छुटाता नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है, फटती बहुत है मेरी। कहानी यह है कि जब मैं छोटा था ना, तो मतलब मेरे बड़े भैया को पटाखों का बड़ा शौक़ था, मेरे सभी भाइयों को पटाखों का बहुत शौक है, ख़तरनाक वाला। इवन मेरी मम्मी भी बड़े बड़े वो लक्ष्मी छाप पटाखे होते थे ना, बड़े बड़े वो जलाती थी। मेरे घर में जिस दिन दिवाली होती थी, मैं घर से बाहर भाग जाता था कहीं, और पटाखों की आवाज़ से मुझे डर लगता था। और
मैं अभी भी नहीं जलाता हूँ। तो ये जो पूरा मार्केट है वो पटाखों का मार्केट है। मैदान है एक्चुअली, जिसमें छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, सारे लोग पटाखे खरीद रहे हैं। मैं देखता हूँ मुझे यहाँ मेरे काम की चीज़ मिल जाए। हाँ, तो मुझे जो है वो गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली नहीं है। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी मन रही हो, क्योंकि मेरी तो ठीक है, अभी जो भी है ठीक है, मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ। उसके अलावा मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं मेरी तरह, घर से दूर रह के दिवाली मनाते हैं, स्पेशली जो फैमिली के साथ नहीं रहते, बैचलर लोग, मुझे लगता है कि वो इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, उनकी दिवाली कैसी बनती है। अभी मैं मार्केट में आया हूँ, मतलब बाहर मैंने सोचा कुछ थोड़ी सी रौनक मिलेगी, मैं थोड़ी एक दो चीज़ें खरीद लूँगा। फॉर्चुनेटली मेरे पास मिठाई रखी हुई है, प्रतिमा मेरे पास कोई सी भी नहीं है। भगवान को याद करूँगा, मिठाई खा लूँगा। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस दिस दिवाली। तो फाइनली मुझे एक दुकान मिली है जहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली है। मैंने दियाली भी ले ली है जो कोलकाता की बनी हुई है। बस अभी जाएंगे पूजा करेंगे, मतलब वो जो प्रोग्राम था अभी थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा। क्योंकि मुझे दियाली मिल गई है तो मुझे तिल का तेल भी ढूंढना पड़ेगा अभी। अभी जो मुझे ऑटो मिला है उसका क्लच वायर टूटा हुआ है। क्लच वायर कौन सा, एक्सेलेटर वायर टूटा हुआ है, तो मतलब स्पीड से तेज चल ही नहीं सकते अभी अपन लोग, लॉक है अभी, और इन्होंने बताया भी नहीं है। ठीक है, सही से अत्याचार कर रहे हैं, देख लो ये। पता है इतनी मेहनत करने के बाद मैं अभी नोटिस किया कि मैं माचिस लेके नहीं आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, फटाफट माचिस लेके आता हूँ। तो ये थी मेरी दिवाली पूजा, मैंने अपनी दिवाली कैसे मनाई। मुझे भगवान की मूर्ति मिल गई फाइनली, और जो भी प्रे करना था मैंने प्रे कर लिया। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं, कि जो मेरे जैसे बैचलर लोग या जो मेरे जैसे अकेले लोग घर से बाहर रहते हैं और दिवाली मनाते हैं, उनके लिए ये है। आई एम मिसिंग माई फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।